हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा लेटर हेड आप किस तरह से बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में और बहुत अच्छा अट्रैक्टिव आप लेटर हेड बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम कैसे करें। सबसे पहले हम नया पेज ले लेते हैं आप, और नया पेज लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, जिससे बनाने में हमें ईजी हो। और इसके बाद हमें यहाँ से शेप ले लेना है। शेप मैं जो यूज करने वाला हूँ, मैं इसका यूज करता हूँ ज़्यादातर। और यहाँ से कुछ इस तरह से आपको बना लेना है, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसे। और इसको जो है ना, थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ। एक्चुअली मुझे ये इस तरफ से ये नीचे वाला चाहिए, और इसलिए मैं इसे रोटेट कर लिया हूँ। और इसको थोड़ा सा नीचे की ओर ऐसे आपको करना है। और ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें कलर कर देना है, कोई भी कलर। मैंने डार्क में कलर ले लेता हूँ, बेटर मुझे मेरे लिए देगा। और मैं यहाँ से कंट्रोल डी इसको करता हूँ डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद इसमें येलो कलर में ले लेता हूँ। और येलो कलर में आपको यहाँ से इसमें आपको बस ऐसे ही बिल्कुल रखना है। और इसके बाद फिर एक बार कंट्रोल डी इस पर डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी दबाते हैं, और फिर नया डुप्लीकेट करके ले लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद आपको यहाँ से इसको सीधे कर लेना है। सीधे करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से कुछ कर देना है। और इसके बाद इसको भी कलर आप कोई भी यहाँ से आप फिट कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर एक और, यहाँ पर बहुत सारी जगह बच रही है हमारे पास, तो इसको फिल करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आप यहाँ से क्लिक करके एक और शेप में ले लेता हूँ, और शेप लेने के बाद इसमें मैं कलर कर दूँगा वही सेम कलर, और सबका बॉर्डर हटा देंगे। बॉर्डर हटाने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा होगा। नौ कलर कर देंगे, नौ आउटलाइन, और इस पर भी नौ आउटलाइन, और इसका भी नौ आउटलाइन। ये करने के बाद आपको यहाँ पर कोई लोगो आर लगाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके और शिफ्ट के साथ आपको ड्रॉ करना है, जैसे कि आप बिल्कुल गोल होगा आपका ये जो शेप है। और यहाँ से इसके अंदर हमें फ़ोटो लगाना है, कोई लोगो लगाना है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से क्लिक करके पिक्चर में आना है, शेप फिल पर क्लिक करके। और पिक्चर में आने के बाद जहाँ पर आपका पिक्चर होगा, आप फ्रॉम द फाइल, मेरे फाइल में है पिक्चर ऑलरेडी, मैं सेव कर रखा हूँ लोगों को, तो मैं अपना लोगों को यहाँ पर डेस्कटॉप पर जा करके और GVCTI इसमें, और इसमें मेरा लोगो यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। ओके, जैसे करेंगे देखिए इसके अंदर फिट हो गया हमारा लोगो। अब इसके बाद लोगो फिट करने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है। अगर नॉर्मल लिखना चाहो तो आप नॉर्मल लिख सकते हो, या फिर स्टाइलिश में मुझे लिखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट और वाड आर्ट से बहुत अच्छे तरह से लिखाता है स्टाइलिश में। आप यहाँ पर जा, आपको लिखना है GVCTI, लिखने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद ये वाड आर्ट खुल जाएगा। वाड आर्ट खुलने के ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इसमें ये पोजीशन पर क्लिक करके और ये ऊपर वाले पर क्लिक कर देना है, जिससे कुछ इस तरह से आपका ये हो जाएगा। देख ही रहे हैं आप, जितना चाहिए आप जिस तरह से चाहिए फिट कर सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद नीचे, उसके नीचे मुझे लिखना है एड्रेस आर, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इनसाइट में आकर के टैक्स बॉक्स, और टैक्स बॉक्स में आने के बाद नॉर्मली ड्रॉ टैक्स बॉक्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे टैक्स बॉक्स। इसके अंदर जो वाइट आ रही पीछे बैकग्राउंड में, इसके लिए यहाँ पर जा करके नौ फिल कर देंगे, और ये जो चारों तरफ से लाइन आ रहा है इसके लिए यहाँ पर नौ आउटलाइन कर देंगे। और हमें जो लिखना है वाइट कलर से लिखना है या ब्लैक, आप जो भी लिखना चाहो उस कलर से आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैं तो वाइट लूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा प्लॉट नंबर एक, और आपको यहाँ पर गाज़ियाबाद UP आप डाल करके, और यहाँ पर जो भी आपको ये है डाल सकते हो, और यहाँ पर मोबाइल नंबर बिल्कुल जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद नीचे आता है हमारा ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन आता है यहाँ पर नीचे हमें कुछ ना कुछ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नॉर्मल एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पर,
और इस लाइन को शिफ्ट के साथ ड्रॉ कर लिया। और ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा सा आउटलाइन को मोटा कर लेते हैं, यहाँ से वेटेज भी बढ़ा देते हैं, इसका और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए कितना हो रहा है, यहाँ इतना काफ़ी है हमारे लिए। और इसका जो भी कलर करना है आप कर सकते हो, तो मैं सेम कलर ऊपर वाला ही मैचिंग मशीन के लिए ले लेता हूँ। उसे लेने के लिए आप येल्लो रेड भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और इसके बाद डुप्लीकेट में कर देता हूँ यहाँ पर, ज़्यादा मैं स्पेसिंग नहीं दिया। और एक और डुप्लीकेट करके मैंने तीन कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर मैं एक इस तरह से सेंटर में इसे ला करके, और इसमें भी रेड कलर में कर देता हूँ, जिससे ऊपर वाले और उससे मैच हो जाए कुछ इस तरह से। तब देखिए, और ये हमारा बनके तैयार हो गया। और अगर आप देखना चाहते हैं इसे पूरी तरह से, तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ पहले, फिर जाके देखिए हमारा एक नॉर्मल कैसा बना। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।